Dear students, once again, Happy New Year to all of you. May God bless you all. May you get all the success that you have thought of. Let us begin the syllabus of Semester 5 of the University VBU, English Honors Semester 5. Let us discuss it. बहुत सारे students syllabus को समझ नहीं पाते, confused रहते हैं. अगर वे नहीं समझेंगे तो उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी. इसलिए आइए हम लोग समझते हैं सेमेस्टर 5 का सिलेबस. सबसे पहले सेमेस्टर 5 का ये फॉर्मेट है, आप इसे समझ लें. इसमें चार पेपर्स होंगे, कोर कोर्स 11, कोर कोर्स 12 एंड यू विल हैव टू डीएससी कोर्सेस, जिसमें दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जिसमें से आपको कोई एक ग्रुप चूज करके पढ़ना है. राइट, अब समझते हैं इस मार्क्स स्कीम को. बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर पास मार्क्स क्या है, तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान से देखेंगे और समझेंगे. ये सारे पेपर्स जिनका फुल मार्क्स 100 होगा, 40 पास मार्क्स, सारे पेपर्स का पास मार्क 40 है, जिसमें से 20 इंटरनल एग्जाम्स के द्वारा लिया जाएगा, जिसमें से पास मार्क आपको 8 लाना है, और 80 एक्सटर्नल एग्जाम्स होंगे जिसमें से आपको 32 मार्क्स लाने होंगे. ये सारे पेपर्स के साथ कंपलसरी होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ये 8 और 32, 8 एंड 32 मिलकर 40 हो जाते हैं. दैट इज द ओवरऑल पास मार्क. राइट, कोर कोर्स 11 में वेमेन्स राइटिंग पढ़नी है, 12 में ब्रिटिश राइटिंग अर्ली 20th सेंचुरी पढ़नी है, डीएससी 1 ग्रुप ए में नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश, ये फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पार्ट होगा. डीएससी ग्रुप ए में जो सेकेंड पार्ट होगा नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश सेकेंड. राइट, और आप ग्रुप बी भी चूज कर सकते हैं, डीएससी 1 ग्रुप बी स्टडी ऑफ शेक्सपियर पार्ट 1 एंड डीएससी 2 ग्रुप बी स्टडी ऑफ शेक्सपियर पार्ट 2. आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ. नाउ वी विल सी द पेपर्स वन बाय वन. कोर कोर्स 11, ये जो पेपर है वह है वेमेन्स राइटिंग का. यह फुल मार्क्स 100 का होगा. यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म एंड वेमेन्स राइटिंग इन द वेस्ट एंड इंडिया, इसमें दोनों जगह की राइटिंग्स के बारे में पढ़ना है और हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म पढ़ना है. यूनिट 2 ये नोट्स हैं, नोट्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म लाइक एनार्का फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, कल्चरल फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, गाइनोक्रिटिसिज्म, आई फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म, मल्टीरेशियल फेमिनिज्म, पैट्रियार्की, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, ट्रांस फेमिनिज्म एंड अदर कंटेम्प्रेरी टर्म्स. राइट, ये जो नोट्स का पार्ट है वो काफी बड़ा है, तो आपको ध्यान से इसकी तैयारी करनी है. यूनिट 3 फास्टिंग फिस्टिंग इज अ नॉवेल बाय अनिता देसाई. यूनिट 4 सुला इज ऑल्सो a novel by Toni Morrison. Right, now we will understand the distribution of marks. Time 3 hours, end semester aapko 80 marks ka exam dena hai. 10 multiple choice objective questions from the topics and text in unit 1 2 3 and 4, yani charo unit se objective type questions honge, ek ek marks ke 10. दूसरा क्वेश्चन जो होगा उसका पैटर्न होगा 4 शॉर्ट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच. 150 वर्ड्स में आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस चूज करके लिखने हैं आउट ऑफ 6 अल्टरनेटिव्स, यानी 6 ऑप्शंस रहेंगे जो कि यूनिट 1 और 2 से दिए जाएंगे, जिसमें से 4 आपको लिखना है, 10-10 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, इट मींस 40 मार्क्स. थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसका पैटर्न
two long questions to be answered out of two alternatives, each from unit 2, 3 and 4. तो दो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करने हैं 15-15 मार्क्स के, जिसका कुल मार्क्स 30 होगा, और ये दो दो अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे यूनिट 2 और 3, साथ ही साथ 4 से. इंटरनल असेसमेंट सेम रहेगा हर पेपर में 20 मार्क्स का, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लास यूनिट टेस्ट थ्रू द टर्म 10 मार्क्स, सेमिनार्स, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज 5 मार्क्स, जनरल बिहेवियर एंड कंडक्ट, रेगुलरिटी इन अटेंडिंग क्लासेस 5 मार्क्स, टोटल 20, राइट. नाउ वी विल सी कोर कोर्स 12, ब्रिटिश राइटिंग अर्ली 20th सेंचुरी, यानी ब्रिटिश राइटिंग जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत की राइटिंग है उसे पढ़नी है. फुल मार्क्स 100. यूनिट 1, History of the English literature of the early 20th century, the period between 1900 and 1950, in England, with significant influences and movements, along with important individual authors and their works. तो इसमें आपको History of English literature शुरुआती 20वीं शताब्दी का पढ़ना है. इसका जो time frame है 1900 से 1950 है, यानी 50 साल का इतिहास पढ़ना है. साथ ही साथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस पढ़ने हैं, इस दौरान कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं, और इस दौरान इंडिविजुअल कौन कौन से ऑथर्स हुए हैं, उनके खास वर्क्स कौन कौन से हैं, ये पढ़ना है. यूनिट 2 जो होगा वह होगा पोएम्स का, वाइल्ड स्वान एट कुले डब्ल्यू बी ईट्स का, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक टी एस एलियट का, राइट. यूनिट 3, पिग्मेलियन इज ए ड्रामा बाय जी बी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, द हार्ट ऑफ द मैटर इज अ नॉवेल बाय ग्राहम ग्रीन. यूनिट 4 जो होगा वह एक ऐसे है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट बाय टी एस एलियट. तो इसमें आप पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल और ऐसे, ये चारों चीजें पढ़ रहे हैं, और यूनिट 1 हिस्ट्री है, मूवमेंट्स हैं, साथ ही साथ इंडिविजुअल ऑथर्स को भी पढ़ना है एंड देयर वर्क्स भी पढ़ने हैं, राइट. Now we will see distribution of marks. Time 3 hours, end semester exam 80, chuki hai, external exam hoga. Again here 10 multiple choice objective questions from the topics and texts in the units 1, 2, 3 and 4. Ek ek marks ke 10 objective rahenge ye charo units se. Dusra jo type ka question hoga wo 4 short questions honge to be answered in not more than 150 words. 150 शब्दों में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर लिखना है. आउट ऑफ 6 अल्टरनेटिव्स, तो 4 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स. थर्ड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होगा, टू लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ टू अल्टरनेटिव्स ईच फ्रॉम यूनिट 2, 3 एंड 4. यूनिट 1 इसमें नहीं है, ध्यान रखना है. तो दो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करने हैं 15-15 मार्क्स के, 30 मार्क्स, और ये यूनिट 2 और 3 और 4 से पूछे जाएंगे, ठीक है. और दो दो अल्टरनेटिव्स रहेंगे, तो 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से आपको दो ही का आंसर देना है, 15-15 मार्क्स के 2. इंटरनल असेसमेंट का सेम पैटर्न है जैसा कि हम लोगों ने पिछले पेपर में देखा है, राइट. नाउ वी हैव डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जिसे हम लोग डीएससी पेपर कहते हैं. यह इलेक्टिव पेपर है, ऑनर्स प्रोग्राम सेमेस्टर 5th और 6th में पढ़ना है इसको, तो जिसमें डीएससी पेपर 1 एंड 2 पढ़ना है, और जब आप 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो 3rd और 4th पढ़ना होगा. तो यहां आप दो ग्रुप पाएंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जिसमें से कोई एक ग्रुप चूज करके आपको पढ़ना है, राइट. सो डीएससी पेपर 1 जो होगा वह होगा नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश पार्ट 1, फुल मार्क्स 100. यूनिट 1 जो होगा वो टॉपिक्स उसमें होंगे जो आपको स्टडी करने हैं, नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी, नेचर एंड द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, पोजीशन ऑफ नेचर इन इंडियन कल्चर, रोल ऑफ नेचर इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड, नेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर, नेचर एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इको क्रिटिसिज्म, राइट. यूनिट 2 जो होगा इसमें
पोइट्री सेक्शन है जिसमें पोएम्स आपको पढ़ने हैं, टू डेफोडिल्स रॉबर्ट हैरिक का, द गार्डन एंड्रू मार्वल का, द क्लाउड शेली का। सो यू हैव गॉट ओनली टू यूनिट्स हियर। इसके जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स वो बिल्कुल अलग है बाकी पेपर से। आप ध्यान से देखेंगे टाइम 3 आवर्स का होगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम इसका भी 80 मार्क्स का होगा एक्सटर्नल। इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो होगा 12 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि टेक्स्ट इन यूनिट 1 एंड 2 से पूछे जाएंगे, एक एक मार्क्स के 12 क्वेश्चंस। दूसरा जो होगा 2 शॉर्ट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स ईच फ्रॉम यूनिट 1 एंड 2। यूनिट 1 और 2 से 2 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसका पैटर्न होगा 2 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स फ्रॉम यूनिट 1। यूनिट 1 से 4 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस में किन्हीं 2 का आंसर देना है और ये 16-16 मार्क्स के होंगे यानी 32 मार्क्स। और यूनिट 4 जो होगा 1 लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स फ्रॉम यूनिट 2 जो कि यूनिट 2 से पूछा जाएगा और 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखना है। आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन जिसमें से एक लिखना है, टोटल 80 मार्क्स। और फिर इंटरनल असेसमेंट का सेम तरीका है जो कि बाकी आप देखते आ रहे हैं 20 मार्क्स का, राइट। नाउ वी हैव डीएससी पेपर 2 और यह ग्रुप ए का ही है जिसमें से आपको पढ़ना है नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश पार्ट 2। यह भी 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स इसका भी टाइम है। यूनिट 1 जो होगा उसमें डैफोडिल्स, द सॉलिटरी रीपर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस विलियम वर्ड्सवर्थ का, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एसटी कॉलरीज का, ये सारे जो हैं वो लॉन्ग पोएम्स हैं। यूनिट 2 जो होगा वो पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक, ये एनी डिलार्ड का एक नॉन फिक्शनल वर्क है। तो इस तरीके से इसमें आपके 2 यूनिट्स होंगे, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, टाइम 3 आवर्स एंड सेमेस्टर एग्जाम 80, 12 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन द यूनिट 1 एंड 2। यूनिट 1 और 2 से एक एक मार्क्स के 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। दोनों यूनिट से 2-2 क्वेश्चन अल्टरनेटिव रहेंगे यानी 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और किन्हीं 2 का आंसर देना है, 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होगा 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने हैं टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स यानी 4 अल्टरनेटिव्स आपके पास रहेंगे जिसमें से किन्हीं 2 का आंसर देना है, 16-16 मार्क्स के 32। एंड फोर्थ टाइप क्वेश्चन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स फ्रॉम यूनिट 2। इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लेकिन किसी एक का जवाब आपको देना है 16 मार्क्स का। सो टोटल यू हैव 80 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट इज द सेम लाइक अदर पेपर्स, राइट। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्टिव पेपर्स में आप ग्रुप ए या ग्रुप बी को चूज कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप बी चूज करते हैं तो इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे जिसमें से डीएससी 1 ग्रुप बी में आपको स्टडी ऑफ शेक्सपियर पार्ट 1 करना है, फुल मार्क्स 100, टाइम आपका 3 आवर्स का होगा। यूनिट 1 और यूनिट 2 2 यूनिट्स होंगे। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ द शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज और यूनिट 2 जो होगा उसमें 3 ट्रेजेडीज आपको पढ़ने हैं, मैकबेथ, किंग लियर एंड ओथेलो, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इसमें बिल्कुल अलग है, ध्यान से देखेंगे। टाइम 3 आवर्स एंड सेमेस्टर 80 मार्क्स। फर्स्ट जो टाइप क्वेश्चन होगा वो 12 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे फ्रॉम द टेक्स्ट इन यूनिट 2। सिर्फ यूनिट 2 से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 क्वेश्चंस। दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच आउट ऑफ 3 अल्टरनेटिव्स यानी 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से किन्हीं 2 का जवाब आपको देना है और ये दोनों जो होंगे वो 10-10 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स। तीसरा प्रकार का जो क्वेश्चन होगा 3 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स ईच टू बी सेट फ्रॉम ईच टेक्स्ट
इन यूनिट टू। यूनिट टू में से आपके पास दो दो अल्टरनेटिव्स रहेंगे, यानी छह क्वेश्चन में किन्हीं तीन क्वेश्चन का जवाब देना है और 16 16 मार्क्स के तीन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, 48 मार्क्स टोटल यू हैव 80 मार्क्स। एंड इंटरनल असेसमेंट का जो एग्जाम होगा जो कॉलेज लेती है वो 20 मार्क्स का एज यूजुअल रहेगा बाकी पेपर्स की तरह। अब इसका पार्ट टू देखेंगे हम लोग, डीएससी पेपर टू जो कि ग्रुप बी का है, स्टडी ऑफ शेक्सपियर पार्ट टू, फुल मार्क्स 100। इसमें भी दो यूनिट होंगे, यूनिट वन कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडीज, पहला पेपर ट्रेजडीज का है और दूसरा पेपर कॉमेडीज का है। इसमें आपको तीन कॉमेडीज पढ़ने हैं यूनिट टू में, मच अडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट और मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, टाइम 3 आवर्स, एंड सेमेस्टर 80 मार्क्स, राइट। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो 12 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम द टेक्स्ट इन द यूनिट टू। यूनिट टू से सारे क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स 12, राइट। दूसरा जो होगा, टू शॉर्ट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच आउट ऑफ 3 अल्टरनेटिव्स। तीन अल्टरनेटिव क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से किन्हीं दो का जवाब देना है 10-10 मार्क्स के, यानी 20 मार्क्स। और तीसरा प्रकार का जो क्वेश्चन होगा वो तीन लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लिखने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, यानी दो दो अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे यूनिट टू से, और यह तीन क्वेश्चंस जो आपको लिखने हैं 16-16 मार्क्स के वो 48 मार्क्स के होंगे, टोटल 80 मार्क्स। एंड इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन जो कि कॉलेज द्वारा ली जाती है वो परीक्षा वो 20 मार्क्स की होगी एज यूजुअल, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे दिस इज द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 5। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन टेक्स्ट मी इन द डिस्क्रिप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अगेन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, हैव अ गुड डे, बाय बाय।